आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी ने बैठक कर लोगों का नए नियमों की दी जानकारी। मार्टिनगंज अजमगढ़ मार्टिनगंज तहसील सभागार में रविवार को उपजिलाधिकारी मार्टिनगंज धीरज श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी फूलपुर रविशंकर प्रसाद ने तहसील क्षेत्र के जनता के साथ बैठक कर कोरोना संबंधित नए नियमों की जानकारी दी। उपजिलाधिकारी मार्टिनगंज ने बैठक में आए हुए लोगों से का नए नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि 8 जून से क्षेत्र के सभी दुकानें खुल जाएंगी तथा धार्मिक स्थल जैसे मंदिर मस्जिद आदि के खुलने का भी सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है। ऐसे में हमारा आप लोगों से अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा मंदिर में प्रसाद आदि न बांटें तथा मंदिर एवं मस्जिद में भी मास्क का प्रयोग करें, ज्यादा भीड़ न इकट्ठा करें। मंदिर और मस्जिद में आने वाले लोग अपना जूता चप्पल बाहर उतारेंगे, हो सके तो अपने अपने गाड़ियां साइकिल पर ही रखकर पूजा इबादत करें। क्षेत्राधिकारी फूलपुर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, इसलिए हमारा आप लोगों से अपील है कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी बाहर ना निकले तथा उन्होंने दुकानदारों से अपील किया कि आप लोग बिना मास्क लगाए दुकान पर ना बैठे तथा दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन ग्राहकों को अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराने वाले दुकानदार के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस कड़ी में स्थानीय निवासी रमेश जायसवाल ने कहा कि हमारी सभी व्यापारियों से निवेदन है कि वे अपनी दुकान पर भीड़ न इकट्ठा होने दें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से बचने का एक ही उपाय है सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करना तथा मुंह पर मास्क लगाना। बैठक में मुख्य रूप से थानाध्यक्ष दीदारगंज धर्मेंद्र कुमार सिंह, एसआई अखिलेश चंद्र पांडे, हेड कांस्टेबल मनोज यादव, उमा शंकर पटेल, विनीत जायसवाल, सदानंद यादव, चिंकू मौर्य सहित क्षेत्र के अन्य लोग मौजूद थे। जीजीएस न्यूज 24 ब्यूरो आजमगढ़ मार्टिनगंज तहसील ब्यूरो विवेकानंद पांडे की रिपोर्ट। सर, आज जो कोरोना वायरस को लेकर मार्टिनगंज ब्लॉक में सम्मानित क्षेत्र की जनता के बीच में जो मीटिंग की गई है, उसके बारे में क्या निर्देश और क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं? ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई थी क्योंकि कुछ सरकार से आई है, जिसमें सभी मंदिर के पुजारी, मस्जिद के मौलाना, होटल और ढाबा के रेस्टोरेंट के मालिकों को बुलाया था और उनसे नई गाइडलाइन के साथ हम लोगों ने जो भी निर्देश उनको देने थे हम लोगों ने बताया इनको। बाकी मैं क्षेत्र की जनता से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप घर से निकलें, आवश्यक कार्य के लिए ही निकलें, मास्क का प्रयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। और क्षेत्र में देखने को मिल रहा है लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद के लिए क्या निर्देश देंगे? मंदिर मस्जिद के लिए यही है कि गोले जरूर बनवाए गए हैं, मंदिर के पुजारी लोगों से भी हम लोगों की चर्चा है कि गोले जरूर तोड़कर बना दिया जाए ताकि लोग सट के न खड़े हों, बारी बारी से अपना जाए। और मस्जिद के लिए भी यही है, 4 से ज़्यादा लोग अभी भी अलाउ नहीं है, ये बात बताई गई है इन्होंने और इसका अनुपालन कराया गया। देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।